नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर वी आर अम्बेडकर अकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम में 99% लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्सटेंशन किस भाषा का वर्ड है, तो आपका आंसर रहेगा उसका लैटिन भाषा का। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या उठ सकता है कि जो ये किन दो शब्दों से मिलकर बना, तो याद रखिएगा आप एक्स और टेंसेस। तो एक्स में इसका अर्थ क्या होता है ऑट, और टेंसेस का मतलब क्या होता है स्ट्रेचिंग। ये दो बातें भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस पर्सन, मतलब किस पर्सन से रिलेटिव है, या कौन सी ईयर में वो प्रोजेक्ट दिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा जो गुड़गांव प्रोजेक्ट है, गुड़गांव प्रोजेक्ट वो FL Wiraney के द्वारा दिया गया था 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि शांति निकेतन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में दिया गया था। हम लोग तीसरे पे बात करेंगे जो रूरल रिकन्स्ट्रक्शन है, ये प्रोजेक्ट किसने दिया था, तो डैनियल मिल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैराथनडम प्रोग्राम किसने दिया था, तो ये प्रोजेक्ट दिया था स्पेंसर हैच ने। ठीक है, 1921 में। आप देखते जाइए कैसे 1920 के बाद 21 में कौन कौन से प्रोजेक्ट दिए गए, और फिर जाके सीधा 1929 में M.K. गांधी ने सेवाग्राम प्रोजेक्ट दिया, जो कि तीन ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा आप तीनों को। ठीक है, नेक्स्ट है कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब दिया गया, तो एल्बर्ट मायर के द्वारा ये 1948 में दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें कि नीलो खेरी एक्सपेरिमेंट से कौन संबंधित है, तो आप याद रखिएगा SK Day। और किससे मजदूर मंजिल भी पूछा जाता है, तो मजदूर मंजिल से भी SK Day ही संबंधित है, और ये 1947 में दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फिरका डेवलपमेंट, जो फिरका डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था वो किसके द्वारा चलाया गया, तो टी प्रकाशन के द्वारा 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट थी वो SK Day के द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया था। और SK Day ने और क्या क्या चलाया, तो आप लोग याद रखिएगा कि नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट और मजदूर मंजिल। ये मजदूर मंजिल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप लोग स्पेशल में याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ये कब स्टार्ट हुई थी, 2 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे कि इंडियन विलेज स्कीम IVS जिसको भी बोलते हैं, तो उससे कौन रिलेटिव है, तो SN Gupta। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यंग फार्मर एसोसिएशन जो प्रोजेक्ट था उनसे कौन रिलेटिव था, तो P. Deshmukh जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फादर ऑफ एक्सटेंशन, ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही याद रखिएगा, क्योंकि जब आप एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं और उनके फादर ही नहीं पता, तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, तो जो इनके फादर हैं वो कौन है, लिगेंस। ठीक है, लिगनेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल डोमेस्टेशन स्कीम, तो ये किसके कौन संबंधित है, इससे कालीवार एंड सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मॉडल विलेज गिवन बाई, जो गांव का जो मॉडल विलेज है वो किसके द्वारा दिया गया, तो हैमिल्टन के द्वारा 1903 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसको और एक नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा, पैकेज प्रोग्राम BEC को बोलते हैं। तो IADP ये कब स्टार्ट हुआ था, 1960 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि IAAP, तो इसमें रखिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम है ये। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, ये एरिया प्रोग्राम है, तो ये 1964 में चालू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि HYV हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966 में, इसी के बाद जब ये चला तो इसके बाद में उसको ही हरित क्रांति का नाम दिया गया, ये भी आप लोग भी याद रखिएगा, 1966 में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, तो 1966 से 67 में स्टार्ट हुई थी। इसके जो पहले हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चलाया गया, जब इससे ज़्यादा उपज हुई तो उसको इन एक टर्म दे दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे PAP, ये क्या है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये कब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, 1970 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, TSB ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम, ये कब स्टार्ट किया गया, तो 1974 में किया गया, और किसके द्वारा किया गया, तो डैनियल
वॉर्नर के द्वारा किया गया था 1974 में। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा यहाँ से उठता है कि CADP मतलब कब स्टार्ट हुआ या कब स्टेब्लिश हुआ या कब स्थापित किया गया, तो 1974 में। ठीक है, और IRDP कब स्थापित हुआ, तो आप इसका सही आंसर रहेगा वो 1979 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो IRDP है और ट्राई सिस्टम है और DWCRA है और सिस्ट्रा है एक्सेट्रा, ये जो मर्ज इनटू एक साथ, ये सब एक साथ मर्ज कब किए गए, तो इसका नाम दे दिया गया SGSY 1999 में। ये चारों जो प्रोग्राम थे इन चारों को मर्ज कर दिया गया, मतलब एक साथ संगठित कर दिया गया और उसका नाम दे दिया गया SGSY 1999। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ, तो 1 जून 1989। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो मैनेज है वो कब स्थापित हुआ या एस्टेब्लिश हुआ, तो हैदराबाद में हुआ, और कब हुआ, तो 1986 में हुआ। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा 1986 में हैदराबाद। जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का नेशनलाइजेशन स्टार्ट कब हुआ, तो 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो है क्या एजेंट, तो आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो क्या है कि टू वे फ्लो ऑफ मैसेज है, याद रखिएगा। ठीक है, टू वे फ्लो मैसेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो जो IADP है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि पैकेज प्रोग्राम के नाम से इसको हम जानते हैं IADP। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, तो डॉक्टर सीमन ए कनेक्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।